जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज व्रत है हमारा, आज भोलेनाथ के मंदिर। और अभी अंदर जाएंगे, काफी फेमस यहाँ का शिवालय है ये। और यहाँ शिवलिंग जो है ना वो आपको दिखाऊंगा, वो स्फटिक पत्थर से बना हुआ है। अभी मैं गाड़ी में बैठ के ये स्टार्ट कर रहा हूँ लोग, क्योंकि बाहर जो भजन और वो जो स्पीकर्स वगैरह चल रहे हैं इतने ज्यादा कि वहाँ पे बोला हुआ, हम बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे छोटा मोटा एक मेला भी लगा हुआ है, बच्चों के लायक है, खिलौने हैं और बैलून्स वगैरह हैं। और ये है शानदार गेट इस पूरे मंदिर का, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। तो जो फूल वगैरह नहीं लाए हैं, भांग दतूरा जो चढ़ता है शिव जी के, तो यहाँ सेल हो रहा है। शूज हमने उतार के यहाँ पे जमा करा दिए हैं। और ये है इस पूरे मंदिर का बीच का एक एरिया है, खाली एरिया। और वो सामने देख रहे हो आप, वो चैरिटेबल आई हॉस्पिटल है, और इन्होंने ही चैरिटी के थ्रू ये मंदिर भी बनाया है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, वो सामने देख रहे हो वाइट वाला, वो वाला मंदिर है ये। और सामने गेट है ये, और ये मेन गेट है यहाँ का, जिसके अंदर से हम वहाँ ऊपर चढ़ेंगे। जूता घर है साइड में। जय भोले, जय भोले, जय भोले। ओके, ऊपर चढ़ रहे हैं अभी। यहाँ पे ये रेहांश भी बैल बजा रहा है। ये लो जी, यहाँ टेंपल पे एंटर करते ही यहाँ हमें नंदी महाराज के दर्शन हो गए, और सब यहाँ पे इनके कान में कुछ भीख मांग रहे हैं, और सब अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं नंदी महाराज की। यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, मुझे जल्दी से तो बारी नहीं आने वाली, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। अभी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा और लेट होते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये बड़ा ही शानदार है, ये मेन टेम्पल है यहाँ का। और यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह से आसपास बिल्कुल अच्छी डेकोरेशन की हुई है, ऊपर छत में भी काफ़ी अच्छा है, और झूमर भी बड़ा ही शानदार लगाया है। धक्का मुक्की हो रही है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, तो देखो आप किस तरह से मतलब सब भक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पे और सभी लगे हैं। तो ये है वो शिवलिंग जिस पे सब जल चढ़ा रहे हैं, मतलब मेन शिवलिंग यहाँ का ये है, जो स्फटिक शिवलिंग है जो मैं आपको बता रहा था पहले ही। तो यहाँ पे बीच में ऐसे जगह बनाई है जहाँ से हम लोग जल और ये चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, और हम अच्छे भक्त हैं, हम लोग साइड में यहीं से जल चढ़ा रहे हैं, और वो वहाँ सामने शिवलिंग पे जाके अर्पित हो रहा है। वो देखो वहाँ पे, जय भोले। ये देखो अब मैं थोड़ा क्लोजर लुक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से ये शिवलिंग है, और ये पूरा ऐसे लग रहा है जैसे मिरर का ग्लास का बना हुआ है, लेकिन ये स्फटिक पत्थर होता है जिससे बनाई है। चलो जी, अब जल भी चढ़ा दिया, धुक्का मुक्की में बहुत मुश्किल से चढ़ा पाए। आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो बोलना नहीं चाह रहा। जोर से बोलो। जोर से कैसे बोलूं, गला खराब है। ठीक है, चलो अब अंदर पूजा पाठ करे आए। अब अंदर तो धूप वगैरह करने नहीं देते, क्योंकि अंदर धुआं वगैरह हो जाता है, धुआं भी हो जाता है, और वहाँ लोग वही फूल वगैरह पत्तियां वगैरह सब जगह चढ़ाते रहते हैं, तो हाँ, अंदर थोड़ा सही नहीं रहता, इसलिए बाहर जगह बनाई है। अरे ये नहीं करना चाहिए, कितना कचरा कर दिया यहाँ पे, यहाँ पूजा हो रही है यहीं कचरा कर दिया। आपने भी करना है, आप उधर पीछे देखो, भीड़ भी कम होगी। ये ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, ये पूरा मतलब मंदिर का जो टॉप पार्ट है वो पूरा शिवलिंग है एक तरीके से। और यहाँ चारों तरफ खाली जगह है, लोग धूप सेक रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है अभी, पर ठीक है फोटोग्राफी के लिए थोड़ा सा जगह बना रखी है कुछ इस तरह से। इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर के और फिर अंदर गुफा है, और उसके अंदर काफ़ी कुछ देखने के लिए चीज़ें हैं, तो अभी वहीं चलेंगे हम लोग। तो वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले यहाँ पे नंदी महाराज हैं, और थोड़ा सा पूजा पाठ यहाँ नंदी महाराज की पेंडिंग। अभी वाइफ है वो उनके कान में विष मांग रही है, सब कहा जाता है कि इनके कान में जो विष मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है।
तमन्ना की बारी है, ये भी विश मांगेगी। रियांश की भी बारी आ गई, ये भी विश मांगेगा। इसे पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। मदर हैं नंदी महाराज से, कान में कोई ख्वाहिश मांगी है, विश मांगी होगी। जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। पर ऐसे है कि वैसे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। आपका सपोर्ट मिलेगा तो जरूर होएगा। पीछे जो आप देख रहे हो मुंह दिख रहा है, इतना बड़ा ये गुफा है, छोटी सी एक गुफा है, छोटी सी तो क्या, अंदर काफी कुछ है, इसके अंदर स्टैचू वगैरह बने हुए, और ये पूरा ऊपर का टॉप का पार्ट है, यहाँ देख रहे हो आप पूरा। हाँ, इसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल गुफा भी है, वो अपने देखेंगे आप। अभी हम छोटी सी गुफा में जाएंगे, देखो। बाहर आ गए हम ये गुफा, और अच्छा बनाया। अभी देखो ये कितना अच्छा बना हुआ है, ये पूरे माउंटेन्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर ऋषि मुनि है जो बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगे हुए, काफी अच्छा दिख रहा है देखने में। क्रोकोडाइल्स, ये पूरा ट्री बना हुआ है, काफी जबरदस्त फ्रूट लगे हुए हैं, मतलब एक ही पे काफी सारे फ्रूट लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। ये सबसे मेन अट्रैक्शन का पार्ट है यहाँ पे, ये शीशे में बंद है और ये काफी बड़े हॉल के अंदर ये सब बनाया हुआ है, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे पेड़ भी है ऊपर, काफी रियलिस्टिक पेड़ बनाया हुआ है बरगद का, और इसके अंदर स्टैचूज है काफी सारे, यहाँ पे स्नेक, ये दूसरे एंगल से देख रहे हैं, ये फ्रूट लगे हुए हैं देखो, ये एक और एंगल के साथ, नीचे रैबिट्स है, स्नेक भी है, देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन जाता, लंबा खींच लेते हैं, नहीं हमने जल्दी जल्दी सब निपटा दिया, दिखा दिया आपको सारा। चलो ये क्या है, प्रसाद लेना है, प्रसाद तो खाना ही है, आज व्रत है, फास्ट रखा हुआ है, और खीर मिल रही है यहाँ पे, भांग वाली खीर हो सकती है, नहीं नहीं साबूदाना खीर है, साबूदाना पहले पता लग गया। चलो ठीक है, भीड़ है यहाँ थोड़ी सी, जो पीछे देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, और ये सारे सभी जो भक्त हैं भोले के प्रसाद खा रहे हैं। लो जी प्रसाद ले आए, कंफर्म कर लिया, व्रत के लिए है। चलो अब हम यहाँ से चप्पलें ले लेंगे और फिर घर पे चलेंगे। नहीं नहीं अभी पकौड़े का प्रसाद और मिल रहा है वहाँ पे, नहीं खाना तो नहीं है, प्रसाद तो प्रसाद होता है, ले लेते हैं और खा लेंगे घर पे।
ये टीम है जो यहाँ ब्रेड पकौड़ों के प्रसाद का ऑर्गेनाइज कर रही है, यही बांट रहे हैं। बच्चे भी देखो पूरे भक्ति में लीन है। यहाँ से हमने हमारे जूते ले लिए हैं। अभी तक नहीं गए शिवालय तो आपके आसपास कोई भी शिवालय हो तो जरूर जाके आइए। हर हर महादेव।